दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अपडेट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, महाराष्ट्र से कैसे लौटेंगे प्रवासी मजदूर। उद्धव सरकार ने बनाया पूरा प्लान। दोस्तों बताऊंगा इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। केंद्र सरकार ने देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लाखों प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को बुधवार को कुछ शर्तों के साथ उनके गंतव्यों तक जाने की अनुमति दे दी गई, जिससे एक बड़े वर्ग को राहत मिली है। आदेश के बाद सभी राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को घर लाने की तैयारी में जुट गई हैं। इस बीच महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने भी अपने यहाँ मौजूद प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे सरकार ने बताया कि जिन मजदूरों को उनके राज्य से वापस भेजा जाएगा उनकी पहले जाँच की जाएगी, जिसमें कोई लक्षण नहीं दिखेगा उन्हें सरकारी अनुमति पत्र के साथ भेजा जाएगा कि वे स्वस्थ हैं। वहीं अगर किसी में कोई लक्षण दिखाई पड़ता है तो उसे फिर राज्य में ही रखा जाएगा, उसको वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव अजोय मेहता ने बताया, लॉकडाउन के कारण प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। उन्हें मानक संचालन प्रक्रिया में शर्तों के अनुसार स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह सचिव अजय ने एक आदेश में कहा है कि ऐसे फंसे हुए लोगों के समूहों को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन वाहनों को सैनिटाइज किया जाएगा तथा सीटों पर बैठते समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे आदेश में भल्ला ने कहा, बंद के कारण प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, सैलानी, छात्र और अन्य लोग विभिन्न जगहों पर फंसे हुए हैं, उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। मंत्रालय ने शर्तें गिनाते हुए कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बाबत नोडल अधिकारी बनाने होंगे और ऐसे लोगों को रवाना करने तथा इनकी आगवानी करने के लिए मानक प्रोटोकॉल बनाने होंगे। आदेश में कहा गया है कि नोडल अधिकारी अपने राज्य में फंसे हुए लोगों का पंजीकरण भी करेंगे। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है किस तरीके से फंसे हुए लोग अपने घर तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग कहां पर फंसे हुए हैं और कहां तक जाना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।